नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। भारी बारिश के कारण माटीगारा के बालासन ब्रिज से एक खंभे में दरार आने से प्रशासन ने फिलहाल इस ब्रिज पर यातायात रोक दिया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल बालासन पुल पर यातायात रोक दिया है। सभी वाहनों को नौका घाट से आवाजाही की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। पूरे मामले की जाँच होने तक पुल पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहाड़ पर पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के दौरान सड़क पर एक वाहन पर पेड़ गिरने से वाहन के चालक की मौत हो गई है। वाहन में सवार दो लोग घायल हो गए। मृत चालक का नाम कैलाश बताया जा रहा है। हादसा कालिम्पोंग जिले के अलगड़ा के पास हुआ है। लगातार रूप से हो रही बारिश के कारण पहाड़ों में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते लोगों में आतंक का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का काम प्रशासन कर रही है। इसी बीच जानकारी के अनुसार आज दूसरे दिन भी कालिम्पोंग में जल का प्रकोप देखने को मिला है। कई घरों को क्षतिग्रस्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 अंतर्गत 29 माइल इलाके में भूस्खलन के चलते राजमार्ग का संपर्क सिक्किम और सिलीगुड़ी से कट चुका है, लेकिन प्रशासन लगातार रूप से राजमार्ग को सुचारू रूप से मलबा हटाने की कार्य कर रही है और यातायात सुचारू रूप से करने की काम कर रही है। आम लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है। अनावश्यक यात्रा पर इस समय रोक लगा दिया गया है। देश में महंगाई की मार एक बार फिर नहीं है राहत। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज दो दिन राहत के बाद फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहा है। बेमौसम बारिश के कारण नेपाल में भी जल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। इस घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। राहत और बचाव कार्य लगातार रूप से जारी है। स्थिति इतनी भयानक है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। बंगाल में इस साल के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रदेश भाजपा इकाई में त्योहारी सीजन के ठीक बाद एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने के आसार दिख रहे हैं। इस फेरबदल में युवा पीढ़ी के नए चेहरे और आरएसएस समर्थक नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। उत्तर भारत समेत केरल राज्य में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड व केरल में पिछले दिनों आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी क्षति पहुंचाई है। दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो कुल अब तक 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत में कई दिनों तक भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और एक दर्जन से अधिक लापता हो गए हैं। भारी बारिश से तिस्ता नदी का जल बढ़ रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं लोग। प्रशासन मुस्तैद। जलपाईगुड़ी के सदर प्रखंड के खारिया ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के पूर्व सेनपाड़ा व सुकांत नगर इलाके में तिस्ता नदी का पानी घुस गया है। इलाके में नदी का पानी घुसने के कारण यहाँ के लोग नदी किनारे बांध पर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी थाने की पुलिस ने हैमिल्टनगंज के नेताजी पल्ली इलाके से महिला का फंदे से लटकता शव बरामद किया। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल कालचीनी थाने की पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी में भी बुधवार सुबह से घर घर में कोजागरी लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया। हालांकि लगातार बारिश से पूजा के आयोजन में बाधा आ रही है, पर भक्तों में पूजा को लेकर उत्साह कम नहीं है। बारिश को नजरअंदाज करते हुए पुजारी घर घर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहाँ मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संघ परिवार। अंकिता केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़, 12। कॉन्टेक्ट नंबर
9434016803। अगर उठाना है आपको लुफ्त साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करे स्विगी या जोमेटो से। कॉन्टेक्ट करे 9434751555 पर। और याद रखे, सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। दामरू इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरू फर्नीचर, पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0353254504। दामरू, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरमेंट का रखना है ख्याल, तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मो, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।